आज की बात स्वागत। इतिहास गवाह है कि जब जब भी स्त्रियों को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो निश्चित रूप से वो अपनी योग्यता साबित कर देती हैं। आज ऐसी ही एक खास योग्यता को आपके पास पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज 31 मई 1725 में एक ऐसी बेटी का जन्म हुआ जो हम सबके बीच महारानी के रूप में परिचित है, महारानी अहिल्याबाई होलकर। आप सबका जाना पहचाना नाम है। वैसे महारानी अहिल्याबाई होलकर का शासन तो महेश्वर से चलता था, मालवा से, अभी जो मध्य प्रदेश का इलाका है, लेकिन पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर के नाम से कई संस्थान मिलेंगे और कई धर्मशालाएं मिलेंगी जहां अहिल्याबाई होलकर का आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान नजर आएगा। दरअसल बात यह है कि अहिल्याबाई होलकर ये केवल महारानी या शासक ऐसी नहीं, बल्कि एक दयालु शासक के रूप में और एक जिसको कूटनीतिज्ञ कहते हैं, राजनीतिज्ञ कहते हैं, उस दृष्टि में भी और एक योद्धा के रूप में भी उन्होंने अपने आप को बड़ी शिद्दत से साबित किया। और इसीलिए ऐसे शासकों को लोग लंबे समय तक याद करते हैं। 1725 की बात जब उनका जन्म हुआ और आज हम 2023 में हैं, लेकिन उन्हें बराबर याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, वहाँ का ये जो महेश्वर का किला है, ये आज भी अहिल्याबाई को याद करता है। वे लोग जो शायद अहिल्याबाई को थोड़ा थोड़ा जानते हैं या दूर से उसकी जानकारी रखते हैं, उनके लिए याद दिला देते हैं कि अहिल्याबाई का शासन भले ही मालवा में रहा, लेकिन उनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का अहमदनगर, अहमदनगर का जामखेड़ और जामखेड़ का चौंडीगांव। इस चौंडीगांव में शिंदे पाटिल जो हैं, उनके घर में मनकोजी शिंदे उनका नाम, और उनके घर में इस बेटी का जन्म हुआ। शिंदे गांव में तो पटेल थे, लेकिन उस वक्त को याद कीजिएगा, 1725 की बात है जब अहिल्याबाई का जन्म हुआ और उन्होंने तब अपनी बेटी को पढ़ाना चाहा। उन्होंने उनके लिए जो होम स्कूल होते हैं उसकी व्यवस्था बनाई, और अहिल्याबाई जब पढ़ी तो आप देखिएगा, एक कहावत इस शिक्षा के साथ बड़ी शिद्दत से जुड़ती है। जब हम क्रांतिबा ज्योतिबा फुले को याद करते हैं तो वे शिक्षा का महत्व समझाते हैं, और इसी बात को अगर जब हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पास आते हैं तो वे भी शिक्षा का एक खास महत्व बताते हैं। ज्योतिबा फुले कहते हैं, विद्या से प्रगति होती है, विद्या से गति, गति से नीति, नीति से वित्त और वित्त से प्रगति। इतने संबंध जोड़ते हैं वे विद्या से। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जो कोई पढ़ेगा गुर्राए बगैर नहीं रह सकता। अहिल्याबाई ने जब शिक्षा हासिल की, उनके व्यक्तित्व का विकास बड़ा खास हुआ। 8 साल की उम्र थी उनकी और वो चौंडी गांव में लोगों की मदद के लिए निकली थी, लोगों को खाना दे रही थी भूखों को। और ऐसे में मल्हार राव होलकर, ये चौड़ी गांव में उनका पड़ाव लगा हुआ था, और उन्होंने इस बेटी को देखा 8 साल की अहिल्याबाई को, उनको लगा कि इसे अपनी बहू बना लेना चाहिए। और मल्हार राव ने मनकोजी से उनकी बेटी का हाथ मांगा, ये विवाह हुआ। अहिल्याबाई होलकर परिवार का हिस्सा बन गई, शिंदे परिवार से निकलकर शिंदे परिवार की बेटी होलकर परिवार की बहू हो गई। और होलकर परिवार में वो आने के बाद देखिए कि उसमें शिक्षा की ललक तो थी ही, पढ़ाई तो थी ही उसके पास, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था उनके पास। एक बड़ा हादसा उनके जीवन में हुआ, 29 साल की उम्र थी उनकी, और उनके पति खांडेराव ये एक लड़ाई में शहीद हो गए। अहिल्याबाई अकेली हो गई। स्थिति तो उस वक्त की ये भी थी कि जिनका पति ये उनके मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो पत्नी ये सती जाया करती थी,
मल्हार राव ने यह नहीं होने दिया। मल्हार राव ने अपनी बहू को सहेजा, उनको संभाला, इस दुख से उनको बाहर निकाला, उन्हें सती जाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें नए सिरे से जीवन की ओर देखने के लिए तैयार किया। उन्हें राजनीति के डाव पे सिखाए, उन्हें युद्ध नीति सिखाई, और ये सब सीखने के बाद जब भी मल्हार राव बाहर होते थे, क्योंकि अक्सर वो उनके राजकाज के संबंध में अलग अलग जगह पर उनका जाना होता था, तो अहिल्याबाई इस राजकाज को संभालती थी। सैन्य में भर्ती से लेकर तो प्रशिक्षण तक इन सारे कामों को उन्होंने देखा। आप देखिएगा एक महिला में कितनी क्षमताएं होती हैं, और वो बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इस पूरी रियासत को संभाला इंदौर की। ये करते 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 ये बात आगे बढ़ी, लेकिन एक फिर एक हादसा हुआ और उनके पति के मृत्यु के 12 साल बाद उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई, और ये स्थिति इतनी भयावह हो गई उनके लिए, इतनी चुनौती भरी हो गई कि अब वो राजकाज को कैसे संभाले। लेकिन वो बड़े धैर्य के साथ अपने काम में लगी रही। आगे चलकर स्थिति ये भी बनी कि उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, जो कि उनकी इस राजगद्दी का वारिस था। अब ये सारा का सारा जो पूरा कामकाज है और इसका जो भार है वो आ गया अहिल्याबाई पर, और अहिल्याबाई ने बड़े धैर्य से इस राजगद्दी को संभाला, लेकिन अपनी जो राजधानी है वो महेश्वर में शिफ्ट कर दी, महेश्वर के किले में, और वहां से ये राजकाज चलाने लगी। मालवा के क्षेत्र में जब तक अहिल्याबाई का राज्य रहा, कहीं दूसरे राजाओं ने कोई आक्रमण नहीं कर सका, इतना मजबूत राज्य था उनका। और इतनी मजबूती के साथ जब उन्होंने अपने राज्य को चलाया, तो राज्य में हर एक के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई। उस वक्त की बात याद कीजिएगा जब उन्होंने कपड़ा मिल अपने राज्य में स्थापित की कि कपड़ा बनाया जाए अपने राज्य के लोगों को, कि आर्थिक स्थिति को ठीक कराने के लिए उस वक्त की जो व्यवस्था बनी वो उन्होंने किया। अपने राज्य को तो समृद्ध किया, लेकिन अपने राज्य के बाहर अन्य संस्थानों से भी उनके इतने बेहतर संबंध रहे कि जहां जहां भी धर्मस्थल आक्रमणों से अस्त व्यस्त हुए, उन सब की जो मरम्मत है, उनका जो जीर्णोद्धार है, ये उन्होंने किया। चाहे फिर काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे फिर बोधगया का महाबोधि महाविहार ही क्यों ना हो, वहां के भी मंदिरों के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई और उनको ठीक किया। सारे मंदिर, मतलब सोमनाथ का मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर, ये सारे मंदिर, ये इनके लिए उन्होंने जीर्णोद्धार की व्यवस्था बनाई। लेकिन ये तो हो गई उनके धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई और परोपकार से और मानवीय व्यवस्था से जुड़ी हुई बात। लेकिन अहिल्याबाई का जो खास कार्य था वो ये था कि उन्होंने उनके राज्य में जो धार्मिक सद्भाव है, इस धार्मिक सद्भाव पर बड़ा काम किया। चाहे फिर इस्लामिक परिवार के लोग हो, चाहे फिर हिंदू परिवार के लोग हो, लेकिन इन दोनों में एक सद्भाव बनाए रखने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और इसके लिए वो जो जितना काम करते रहे उसी काम का ये परिणाम था कि उनके राज्य में कभी इस तरह के धार्मिक विद्रोह नहीं रहे। और ये उनके जीवन का बहुत उम्दा उनका योगदान है। इसके साथ उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा की भी व्यवस्था बनाई और सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था बनाई। जो वो स्वयं पढ़ी तो उनके जीवन में जो बदलाव मिले, उनके जीवन में जो परिवर्तन मिला, उस परिवर्तन से उनका जीवन जो बेहतर बना, उसी बेहतर जीवन के साथ उन्होंने अन्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। एक परोपकारी और गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली महारानी के रूप में अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। एक और बात थी उनमें, उनके शासनकाल में न्याय व्यवस्था जो थी वो न्याय व्यवस्था बड़ी कड़ी थी और बड़ी सटीक थी। न्याय बिल्कुल निष्पक्ष हुआ करता था। उन्होंने कभी किसी के पक्ष में जाकर बायस होकर कभी कोई न्याय नहीं किया, और इसलिए आज भी महारानी अहिल्याबाई को बड़े ही सम्मान के साथ लोग याद करते हैं। एक और अहिल्याबाई के शासनकाल की एक
मिसाल आती है और वो ये है कि उन्होंने कला के प्रति जो समर्पण दिखाया, उन्होंने सिर्फ अपने मालवा में ही नहीं, अभी आज भी हम लोग महेश्वर का जो किला देखते हैं उस किले में तो हमें कलात्मकता नजर आती ही है, लेकिन उन्होंने अपने आसपास भी इतनी कलात्मक शिल्पों को निर्माण करने के लिए कलाकारों को संरक्षण दिया। शिल्पकार हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, कवि हो, गीतकार हो, गायक हो, इन सब के लिए, मतलब कला को भी साहित्य को भी उन्होंने उतनी ही संरक्षा प्रदान की जितना उन्होंने अपने यहाँ सारे अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अपने बराबरी से समझा और उन सब के लिए उन्होंने बेहतर न्याय की व्यवस्था बनाई। और कलाकारों को संरक्षा प्रदान करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, तभी कलात्मकता का विकास होता है, तो पीढ़ियाँ भी उसे याद करती है कि हमारा जो पूर्व इतिहास रहा है वो कितना समृद्ध रहा और आज इस समृद्धता को बनाए रखने में नई समृद्धता को कैसे निर्माण किया जाए। कला को मिटाना ये कोई नई पीढ़ी को बनाने का काम नहीं होता, इसलिए जीवन को जब आगे लेकर जाना होता है तो कला को विकसित करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उसको संरक्षित भी करना होता है। अहिल्याबाई होलकर ने ये कार्य बड़े ही सम्मान के साथ किया और इसलिए आज भी महेश्वर की तो बात नहीं लेकिन पूरे मालवा में महेश्वर के किले की तो बात यह है कि वहाँ तो उनको याद किया ही जाता है। अब उनकी जो समाधि है वो वहीं पर है क्योंकि उनका राजकाज वहीं से चला, लेकिन पूरा इंदौर का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी धर्मशालाएँ आती है, जहाँ जहाँ भी मंदिरों के वो सराय बनती है जिन सरायों में गरीबों के लिए आसरा मिलता है, वो सारी सराय आज भी महारानी अहिल्याबाई होलकर को याद करती है। हम आज की बात में अहिल्याबाई होलकर के इस मानवीय कार्यों के लिए उनको अभिवादन करते हैं और आज उनके जन्म दिवस पर उनको याद करते हैं। आज की बात में यहाँ रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे अपनी अगली कड़ी में।